तो जी फाइनली मैं पहुंचा हूँ चश्मा शाही। अब मैं लेता हूँ यहाँ से टिकट लेके मैं चलता हूँ चश्मा शाही के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली मैंने टिकट ले लिया, तो 24 रुपये का एक टिकट है। ये देखें आप, पॉइंट है, मेन गेट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है चश्मा शाही, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसके बाहर का नज़ारा है, ये देखें कितनी रश है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम टिकट लिए, हमने 24 रुपये का एक टिकट है, तो हम आए अंदर। ये देखें आप बाहर का नज़ारा, तो हम आए अंदर, अब चलते हैं अंदर। अब आपको मैं अंदर दिखाता हूँ चश्मा शाही में क्या क्या है। तो हम चलते हैं अंदर। ये देखें मेन दरवाज़ा, तो मैं इंटर हो गया यहाँ पे चश्मा शाही में, ये देख सकते हैं आप। तो चश्मा शाही, इसको चश्मा शाही क्यों कहा जाता है इसका मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन है, अभी ये पूरे तो मुझे लगता है नहीं चल रहे, बट कम ही कम चल रहे हैं खैर। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये फाउंटेन है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ से पानी बह रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये पानी आ रहा है यहाँ पे, ये देखें आप कैसे ये। तो मैं चलता हूँ ऊपर, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी मैं आ गया सेकंड स्टेप पे, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे कितनी रश है यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसके 3 स्टेप है, तो एक स्टेप आगे है ये वाला, इसका एक स्टेप ये वाला है, वो सेकंड स्टेप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। थर्ड स्टेप जो है इतने हाइट पे नहीं है, तो करीब है, तो वहाँ पे भी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। तो आप देखते हैं आगे, तो ये आप देख सकते हैं पीछे जो हट बना है, तो पानी जो है ये यहीं से आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं ये 3 गार्डन है यहाँ पे श्रीनगर में, एक है शालीमार, एक है निशात और एक है चश्मा शाही। तो ये जो 3 गार्डन है, तो ये शाहजहाँ ने बनाए थे। परी महल में हमें एक चीज़ नहीं मिली, यहाँ पे जो फाउंटेन वगैरह है वो वहाँ पे हमें नहीं मिले। तो यहाँ पे इतनी है, इतना है कि यहाँ पे फाउंटेन वगैरह और यहाँ पे पानी है, और मैं आपको आगे पानी भी दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन, और ये देखें ये पानी जो है ये नीचे जा रहा है बिल्कुल, ये पानी जो है ये चश्मा शाही का पानी है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच के इस हट के पास, तो मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये चश्मा, जहाँ पे ये पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल के जरिए यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है। ये मैं आपको चैनल दिखाऊंगा, ये चैनल है। तो ये देखें आप, ये चैनल है, इस चैनल से पानी बाहर आ रहा है, और यहाँ पे काफ़ी रश है, तो लोग यहाँ पे काफ़ी सर्दी वगैरह ले रहे हैं, तो यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी भी भर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ से ये पानी आ रहा है। तो इससे ये है कि चश्मा शाही का पानी, तो ये काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे काफ़ी सेल्फी लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पे करते हैं। एक्चुअली चश्मा शाही का यही पानी है, उसी चैनल के जरिए जो पानी है ये बाहर आ रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ से ये पानी जो है इस चैनल के जरिए यहाँ से आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पानी आ रहा है अंदर से इस जगह से, और यहाँ से आके सीधा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, तो ये यहाँ से बाहर का व्यू है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये जो है ये आगे यहाँ पर है, यहाँ पे काफ़ी रश है बाहर के चश्मा शाही का, अंदर का स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, इसका पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ये देखें आप, ये चश्मा शाही का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं आराम से, ये देखें आप, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप, ये बना है जी, ये चश्मा शाही है। क्या है सेकंड पार्ट, ये इस साइड में है, काफ़ी बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं चश्मा शाही का, ये देखें आप। तो इस साइड में मैं आया, तो मैंने देखा इस साइड में भी काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, बाइक या दिन भर घूमते रहे यहाँ पे, तो बड़ी भीड़ है यहाँ पे भी। मैंने आपको वो चश्मा भी दिखाया, ये गार्डन भी दिखाया, ये जो है ये थर्ड यहाँ पर स्टिप है जहाँ पर मैं इस टाइम हूँ, ये तीसरा वाला स्टिप है जहाँ पर मैंने आपको अंदर चश्मा भी दिखाया। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं इस वक्त, ये देख सकते हैं आराम कर रहे हैं यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा है यहाँ पे,
ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें आप पीछे, और वो जहाँ से पानी निकल रहा है वो एरिया भी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ आके बड़ा बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। तो ये तीसरा स्टेप है, तो यहाँ पे खाली तीन स्टेप हैं, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो मैंने आपको तीनों स्टेप दिखाए चश्मा शाही के, और ये भी आपको ये एक बात बोल दूँ, ये गार्डन जो है ये कंस्ट्रक्ट किया था गवर्नर था उस वक्त जो अली मर्दान खान था, और ये 1632 में ये बनाया गया, 1632 में ये बनाया गया उस वक्त शाहजहां ने बनाया था अपने बेटे के लिए, जो बड़ा बेटा था उसके लिए बनाया था, दारा शिकू के लिए। तो ये चश्मा शाही और परी महल जो बनाई थी उसने, ये फेरी प्लेस ये बनाया था उसने शेखू के लिए, लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। और बाद में फिर उसको अपने ही जो भाई था उसने औरंगज़ेब, उसने उसको मार दिया था। और ये जो गार्डन है ये 108 मीटर लॉन्ग है और 38 मीटर वाइड है, और ये फैला हुआ है लगभग 1 acre ऑफ लैंड, 1 acre लैंड पे ये फैला हुआ है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट जो छोटा गार्डन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट गार्डन है। हालांकि जो तीन गार्डन है यहाँ पे, शालीमार गार्डन, निषाद गार्डन, चश्मा शाही गार्डन जब मैंने आपको दिखाया, तो ये बिल्कुल डल लेक जो है हमारा, ये डल लेक है। तो इसके बिल्कुल ये यहाँ से ये नज़र आ रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं थोड़ा सा डल लेक, ये देख सकते हैं। तो बड़ी ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे चश्मा शाही, और चश्मा शाही आप इसका नाम ही मतलब ले के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि चश्मा शाही इसको क्यों कहा जाता है, यानी कि ये शाही चश्मा है, यानी कि इसका पानी इतना फेमस है और इतना अच्छा पानी है कि इतना साफ़ और शफाफ पानी है, बिल्कुल साफ़ और सुथरा पानी है। और चश्मा शाही बड़ी मशहूर गार्डन है ये, और सबसे छोटा गार्डन है ये, निषाद से, शालीमार से, और ये सबसे छोटा गार्डन है चश्मा शाही। और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ अपने के लिए आते हैं चश्मा शाही को, और यहाँ पे पानी भर के ले जाते हैं घर के लिए, और यहाँ पे अच्छा पानी है उसको पीते हैं, यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाई सर बहुत सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं आप चिनार के पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं एक पेड़ ये है, और ये मुझे लगता है देवदार है शायद, ये देखें आप ये वाला। तो चिनार के बड़े बड़े पेड़, और इनकी छाँव में अक्सर लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, तो मज़ा लेते हैं, पिकनिक करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो फैमिलियाँ लेके आते हैं यहाँ पे चश्मा शाही में। तो पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी यहीं पे है, ये तो बहुत फेमस पानी है। ये देखें जी यहाँ पे कितनी भीड़ है इस वक्त, ये चश्मा शाही का ये पूरा नज़ारा है, आप देख सकते हैं ये पूरे गार्डन का नज़ारा, ये देखें ये पूरा गार्डन है इसका, ये देखें आप, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कितना खूबसूरत गार्डन है ये, है छोटा गार्डन है बट बहुत ही खूबसूरत है ये भी, और इसमें पानी ये देखें जी, इसका चश्मा शाही का जो फर्स्ट गार्डन है, फर्स्ट टिप जो है, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है यहाँ पे। और यहाँ से हल्का सा डल दिख रहा है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा डल दिख रहा है बीच में, क्योंकि आगे पेड़ पौधे हैं तो इसलिए हमें पूरा नहीं नज़र आ रहा, बट हल्का सा ज़रूर नज़र आ रहा है। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिखाऊंगा कैसे लग रहा है, और वहाँ पे यहाँ से पिजन ये देखें आप, तो प्यास लगी है काफ़ी, टेम्परेचर थोड़ा हाई हुआ है, तो ये इसमें मज़ा लेते हुए पानी में, ये देखें यहाँ से ये घास ग्रीनरी किस तरह दीवार के साथ है, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप हल्का, ये देखें आप चश्मा शाही से डल लेक का नज़ारा, हालांकि बहुत ही खूबसूरत भाई, हमारा कश्मीर इतना खूबसूरत है कि जितनी भी तारीफ करें इतनी कम है। आगे हल्के हल्के बादल आप देख सकते हैं, हल्के हल्के बादल हैं, ये देखें आप, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल, ये देख सकते हैं आप किस तरह ये बनाया गया है। सैर करवाऊंगा यहाँ पे, देखें आप ये पूरा गार्डन है, इस चिनार के पेड़ बीचों बीच, ये देखें आप कितना खूबसूरत, हद से भी ज़्यादा।
ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा। और कितनी बड़ी बात है, कितनी चहल पहल है। हमारा चश्मा शाही, तो आपने देख लिया घर बैठे हुए, तो ये आपने मेरे पीछे देखा चश्मा शाही। तो किसी भी एंगल से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।